अलोड़ी गांव में बजरी खनन को लेकर हुए विवाद और फायरिंग में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना के बाद समाज और परिजन के लोग मौके पर जमा हो गए। नामजद आरोपी सहित आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग वो करने लगे। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। परिजनों की मांग है कि पीड़ित परिवार को नौकरी और आर्थिक सहायता दी जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एहतियात के तौर पर मॉर्चरी के बाहर और अंदर पुलिस का जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं जोधपुर से, जहां के सालोड़ी गांव में बजरी खनन को लेकर हुए विवाद और फायरिंग में जो युवक घायल हुआ था उसके इलाज के दौरान मौत हो गई है और युवक के परिजनों ने हंगामा किया है। शव लेने से वो इनकार कर रहे हैं। समाज के लोग और युवक के परिजन मौके पर मौजूद हैं। यहां पर भारी पुलिस जाप्ता भी मौके की गंभीरता को देखते हुए बुलाया गया है। सहयोगी भवानी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। भवानी, पूरे मामले पर अपडेट। देखिए जासमिन, ये पूरा जो घटनाक्रम है, रविवार देर रात को सालोड़ी गांव में बजरी माफियाओं के बीच में खनन को लेकर के विवाद हुआ था और इसमें फायरिंग और मारपीट हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली लगी थी जिसका एमडीएम में इलाज चल रहा है। और वहीं जो एक युवक दूसरे पक्ष का जो घायल हुआ था हिस्ट्रीशीटर महेंद्र सिंह खाबड़ा, उसकी कल इलाज के दौरान शाम को निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। उसके बाद से ही जो है समाज के लोग और परिजन जो है एमजीएच मोर्चरी में जमा हो गए। आज सुबह से ही लगातार जो समाज के लोग और परिजन है वो एमजीएच मोर्चरी में धरने पर बैठे हैं। समाज के लोगों की मांग है कि जिस तरह से जो मृतक है उसकी ओर से एक मुकदमा जो है आरोपियों के खिलाफ पहले भी पुलिस थाने में दर्ज करवाया गया था, लेकिन उस पर पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसी लापरवाही का नतीजा है कि एक बार फिर दोनों गुटों में इस बात बजरी खनन को लेकर के झगड़ा हुआ। तो ऐसे में जो परिजन है वो समाज के लोग है वो पूरे थाने को लाइन हाजिर करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी और समाज के जो गणमान्य लोग हैं वो उनके बीच में वार्ता चल रही है, लेकिन जहां पुलिस के अधिकारी उन्हें आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन परिजनों का कहना है कि जो आरोपी है जिस तरह की ये घटनाक्रम हुआ वो कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। बजरी खनन को लेकर के जोधपुर और आसपास में इस तरह की वारदातें लगातार हो रही, तो ऐसे में बजरी माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए और कहीं ना कहीं जो पुलिस की लापरवाही है उसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी जी, ठीक है भवानी, नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए।